हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका रोशनी निजा यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड, मैं बना रही हूँ पास्ता, कुछ आज अलग तरीके से बना रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये तरीका पसंद आए, बिल्कुल इजी तरीका है और आप लोग खा के देखेंगे तो आप लोगों को भी बेस्ट लगेगा ये तरीका, क्योंकि इस तरीके से ही बनाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और टाइम भी कम लगता है, और बच्चों के लिए तो ये खास तौर पे बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड, देखिए मैंने तैयारी करके रख ली है। देखिए इसमें है मिर्च और प्याज, टमाटर और नूडल्स मसाला, धनिया पत्ती और नमक, थोड़ी सी हल्दी, टमाटर। और फ्रेंड ये है हमारा पास्ता, और ये हम डालेंगे सॉस, ये है चिली सॉस और ये है टमाटर सॉस। सो फ्रेंड, आज हम कुछ यूनिक तरीके से आपको बनाना बताएंगे। सो फ्रेंड, मेरी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए बनाते हैं यूनिक तरीके से। अब मैं इसमें प्याज और मिर्च डाल दूंगी। इसमें टाइम की भी बचत हो जाती है और बहुत ही अच्छा बनता है खाने में भी। आप लोग भी अगर बनाएंगे तो आप लोगों को भी ये हमारी तस्वीर बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड, मैंने इसमें लहसुन और प्याज और मिर्च डाल दी है, जीरे भी डाल दिए हैं। सो फ्रेंड, जब भी हमारा पक जाएगा, ज़्यादा नहीं हम इसको पकाएंगे, हल्का सा इसका थोड़ा सा कच्चापन भी चला जाए, क्योंकि जब हम इसको डालेंगे तो इस ये साथ में भी जो बाकी की प्याज है वो पक जाएगी, तो उससे क्या है कि अच्छा फ्लेवर आएगा। सो फ्रेंड, आप लोगों को जैसे कि बताए हैं कि मेरी बच्ची मुझे बहुत परेशान करती है, सो वो चली गई थी मेरा मोबाइल लेके। सो फ्रेंड, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुकिंग रेसिपी नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत परेशान करती है, मोबाइल लेके भाग जाती है, कभी कुछ कभी कुछ, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं अपने शॉर्ट वीडियो ज़्यादातर बनाती रहती हूँ, और बनाती हूँ ऐसा नहीं, फुल वीडियो, लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ, आप लोगों ने देखी ही होंगी मेरी वीडियो। सो फ्रेंड, चलिए बनाते हैं। मेरी प्याज हल्की सी पक चुकी है, मेरी प्याज हल्की सी पक चुकी है। सो देखिए फ्रेंड, मेरी प्याज हल्की सी पक चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और धनिया पत्ती, और इसमें मैं धनिया भी साथ में ही डालूंगी मिक्स तरीके से। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और टाइम की भी बचत होती है, गैस की भी बचत होती है और अच्छा भी बनता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बनता है। अच्छा भी बहुत बनता है, आप लोग इस तरीके से एक बार बना कर देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। देखिए
इस तरीके से मैं बना पाती हूँ। चलो और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी और धनिया पत्ती और मैगी मसाला, सॉरी नूडल्स मसाला साथ में डाल दूंगी। क्योंकि मुझे जल्दी बनाना पड़ता है, मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी बच्ची मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है, सुबह इसको भी डांट भी खा लेती है, मार भी खा लेती है, सब कुछ खा लेती है। चलिए फ्रेंड, अब हम इसमें डालेंगे पास्ता और इतना पानी डालेंगे लिमिट में कि हमारा पास्ता भी पक जाएगा और पानी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारे आधी कटोरी पास्ता है, थोड़ा सा मैं चला लूँगी, ग्रेवी है थोड़ा सा इसके अंदर चली जाए। और फ्रेंड में इसी में डालूंगी टमाटर सॉस साथ में, आप लोग भी डाल के और बना के देखिएगा मेरे तरीके से, आप लोग भी कहेंगे कि हाँ कोई चीज़ बनाई है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस, अभी मैंने पानी नहीं डाला है, याद रखिएगा आप लोग भी। जितना आपको चिली सॉस टमाटर सॉस खाना पसंद हो उस हिसाब से डालिएगा, मैंने थोड़ा कम ही डाला है। देखिए फ्रेंड मेरे पास्ते को, देखिए ये सो फ्रेंड मैं इसमें डालूंगी आधी कटोरी से भी कम पानी। ये मेरा आधी कटोरी पास्ता था, इससे मैं आधी कटोरी ही पानी डालूंगी। तो बने रहिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड मेरी कोई फेक वीडियो नहीं रहती है, मैं जो बनाती हूँ रियल वीडियो बनाती हूँ, फेक वीडियो नहीं बनाती हूँ। सो देखिए आधी कटोरी ही पानी है, और आधी कटोरी में भी मैंने थोड़ा सा पानी बचा के रखा है, सो मैं इसको पी लेती हूँ। सो देखिए फ्रेंड ये मेरा एक किस्म से अगर मैं बोलूं तो रेडी है, क्योंकि इसको केवल मात्र पकना बस है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट लगता है, 10 ही मिनट लगता है इसको पकने में। सो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।